और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता शक्ति जुड़ गए हैं। शक्ति, जिस तरीके से ये बैठक होनी है, महत्वपूर्ण बैठक है, क्या आज ये तय हो जाएगा कि 29 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकलना है या नहीं निकलना है, और क्या कुछ और पॉइंट्स हैं इस मीटिंग के? देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, संयुक्त मोर्चे की ये बैठक है, और आज ये मालूम चल जाएगा कि ये आंदोलन कब तक खत्म हो जाएगा और कब तक किसान अपने घर पहुंच जाएंगे। 29 तारीख की जो ट्रैक्टर रैली है उसको लेकर भी यहाँ पर एक रणनीति बनाई जाएगी, और ये फैसला होना है इस कानून वापसी होने के बाद। जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, एक खुशी का माहौल देखा गया था, उसके बाद अब सिंधु बॉर्डर पर उसके वहां पर जो जत्थाबंदी थे उनकी एक बैठक की गई, उसके बाद एसकेएम की बैठक हुई, और फिर उसके बाद तत्काल 2 से 3 दिन बाद एक बैठक फिर रखी गई जो कि आज है। और आज इस बैठक में एक अहम फैसला माना जा रहा है कि अगली रणनीतियों पर बात होगी। किसान हमारे साथ, ये बताइए कि आज संयुक्त मोर्चे की बैठक है, तो उसमें क्या लगता है आपको, क्या निर्णय होगा? उसमें जो है निर्णय यही रहेगा कि सरकार जो है वार्ता के लिए बुलाए, उसके बारे में विचार किया जाएगा। सरकार से यही उम्मीद की जा रही है कि वार्ता बहुत जल्दी की जाए और उसमें जो है कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। कुछ ना कुछ हल निकल आएगा, मुख्य बात इसमें अगर निकल कर आ रही है तो ये आ रही है कि सरकार से एक वार्ता हो, सरकार से बात हो, और जो और मांगे हैं किसानों की तो सरकार कहीं ना कहीं उस पर भी विचार करे, विमर्श करे, और जिसके बाद किसान यहाँ से घर वापस चले जाए। तो जिस तरीके से ये आंदोलन, एक साल इस आंदोलन को पूरे हो गए और आज एक साल एक दिन हम आज गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, और गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसानों की हलचल है वो यहाँ बरकरार है, और इंतजार में जरूर है किसान कि यहाँ से वो घर कब वापस जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अब MSP की बात सामने आई है कि जब तक MSP नहीं तब तक वापसी नहीं, ये बात कही जरूर जा रही है, लेकिन किसानों में कहीं ना कहीं ये भी एक बात कही जा रही है कि अगर सरकार एक बार बात कर ले उनके साथ तो किसान बिल्कुल शक्ति। और देखिए, बहुत तस्वीरें आज साफ हो जाएंगी क्योंकि आज के दिन जो बैठकें होने जा रही हैं संघ किसान मोर्चा की तरफ से, उसमें क्या रणनीति बनती है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं बीजेपी के काशी क्षेत्र के प्लान